डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10th साइंस बुक का है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस भी नहीं है, उन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या वो लिखनी है, वर्ड इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है। वर्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं मतलब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि केवल रिएक्टेंट साइड दे रखा है, प्रोडक्ट साइड नहीं दे रखा। हमको प्रोडक्ट साइड का भी खुद फाइंड आउट करना है। देखो क्या पहला इक्वेशन अगर देखें तो क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। अच्छा यहाँ से देखो, ये एसिड है, ये मेटल है, ये एसिड है जिंक और ये सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और जिंक मेटल है, तो पक्का हाइड्रोजन गैस तो एक प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन में बाद में देखेंगे, तो इसमें भी एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होगा। और अगर दूसरे इक्वेशन की तरफ देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम रिबन के साथ, तो अच्छा यहाँ पे भी ये एसिड है और ये क्या है, ये हमारा मेटल है। ठीक है, तो मेटल एसिड क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी बनेगी, दूसरा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा वो तब देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी एसिड और यहाँ ये एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। तो तीसरे में भी एक प्रोडक्ट क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा या आएगा। अब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और रिएक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग के साथ, मतलब Fe के साथ, ये मेटल है यहाँ पे और ये यहाँ पे ये एसिड है। ठीक है, मेटल एसिड फिर अगेन एक प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, मतलब चारों में एक प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन गैस होगा ही होगा। अब दूसरा प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तीसरा भी होगा तो वो भी देखेंगे। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं कि पहला क्या, पहली जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है वो क्या है, क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट करता है जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, तो वर्ड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसको क्या लिखेंगे, उसका हमने क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, वर्ड लिखते हैं ना, तो क्या हो रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देखो क्या लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक हाइड्रोजन गैस बनेगा, एक प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन गैस लिख दिया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्या होता है, H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस तो अलग हो गई ना, ये हाइड्रोजन गैस अलग हो गए, जिंक जो है इसके साथ कनेक्ट होकर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ZnSO4। ठीक है, अब अगर हम इसकी, ये तो हो गई इसकी वर्ड इक्वेशन, पहली वाली जो थी ये इसकी वर्ड इक्वेशन हो गई, अब इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जिंक के लिए Zn लिखेंगे और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने H2SO4 लिख दिया, और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस के लिए H2। अगर इंडिविजुअल एटम्स को देखें तो Zn का यहाँ पे सिंगल एटम है, राइट हैंड साइड भी एक एटम है, तो Zn बैलेंस है, H के दो एटम है लेफ्ट हैंड साइड और H के दो एटम है राइट हैंड साइड, तो H भी बैलेंस है, S का सिंगल एटम इधर है, S का सिंगल एटम राइट हैंड साइड है, तो ये भी बैलेंस्ड है, ओके फोर एटम लेफ्ट हैंड साइड है, ओके फोर एटम राइट हैंड साइड है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है, इसके साथ कुछ हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आगे हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, इतना ही आंसर होगा। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, सेकंड क्वेश्चन था देखो क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या, अब इसका वर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो लिखा ना, मैग्नीशियम रिबन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है HCl, ये होता है HCl और ये होता है Mg, ये होता है Mg, और जब Mg HCl के साथ रिएक्शन करता है तो H से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और MgCl2 बना देता है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम रिबन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पहला प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और एसिड है और ये एसिड है, ये मेटल है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो देखो क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमको इसको हमने कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। अब केमिकल इक्वेशन देखो, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम Mg, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, और अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब Mg ने यहाँ पे H को डिसोसिएट किया, ये H अलग हो गया, इसने हाइड्रोजन गैस बना दी, अब क्या होगा, जब Mg, अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपने फॉर्मूला लिखना 9th क्लास में सीखा है, MgCl2, क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसलिए Cl के साथ यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हमने क्या लिख दी, केमिकल इक्वेशन। अब इसको देखना है क्या ये बैलेंस्ड है। देखो बैलेंस तो नहीं है, यहाँ पे एच के दो एटम है, यहाँ पे एच का सिंगल ही एटम, ये बैलेंस्ड तो नहीं है। अब इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा हमें। बैलेंस्ड कैसे करेंगे, सिंपल हिडन ट्रायल। यहाँ पे दो एटम एच के हैं तो इधर भी दो है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा टू, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा टू। तो ये कितना हो जाएगा टू एच सी एल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एच सी एल की जगह क्या हो जाएगा टू एच सी एल बैलेंस की। ठीक है, और बाकी कुछ बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पे हमने टू लिख दिया, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे हमने टू लिख दिया, ये देखो टू लिख दिया, ये टू लिखने से क्या हो गया कि एच बैलेंस है, टू हो गए। अब सी एल क्या बैलेंस हुआ देखते हैं। सी एल राइट हैंड साइड क्या है, दो है, लेफ्ट हैंड साइड भी दो हो गए, बैलेंस हो गई है केमिकल इक्वेशन। इसके आगे हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई। तो हम थर्ड की तरफ चलते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या कहती है। थर्ड देखो, थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डायल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और क्या है साथ में, एल्यूमिनियम का पाउडर है। तो सिंपल वर्ड इक्वेशन, एल्यूमिनियम पाउडर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देखो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फिर से H2SO4 है ना, H2SO4 यही है ना फॉर्मूला इसका। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ये SO4 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनाएगा, एक एल्यूमिनियम सल्फेट और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। तो सिंपल ये वर्ड इक्वेशन हुई कि क्या, एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एल्यूमिनियम के लिए Al, एल्यूमिनियम के लिए Al, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 और 3, क्योंकि यहाँ पे Al की वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ गई। अब ये क्या, ये बैलेंस्ड है, देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस तो देखो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Al के दो एटम है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक ही एटम है, तो यहाँ पे हमको टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको ये 2Al हो जाएगा, 2Al। ओके, अब ये 2Al लिखने से क्या हो गया, Al बैलेंस हो गए यहाँ पे। ठीक, अब क्या H2 यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, H2 यहाँ पे भी दो हैं, बैलेंस है। अब देखो SO4 यहाँ कितने हैं, SO4 यहाँ है 3, और SO4 लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि SO4 भी बैलेंस करना पड़ेगा। SO4 अगर यहाँ राइट हैंड साइड 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे 3 होने चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड भी वहां पे क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो जो ये SO4 है इसके आगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि यहाँ पे जो H2 थे ये भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये राइट हैंड साइड पे भी 6 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3H2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन क्या होगी, 2Al3H2SO4 एरो Al2SO4 3 प्लस 3H2। ये है हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर थर्ड इक्वेशन की तरफ चलें तो, सॉरी फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलें लास्ट, तो वो हमें क्या कहती है, ये थोड़ा टफ है बैलेंस करना, टफ मीन्स बाकियों पे जितना एकदम से बनी होगी। अब इसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक ये हमारे पास हो गया एसिड, आयरन हो गया हमारे पास मेटल, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यह है Fe, क्या है Fe, ये हमारा है HCl, HCl। ठीक है, अब क्या Fe से ये H अलग हो जाएगा और FeCl बनेगा, मतलब फेरिक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3, क्योंकि Fe ये क्या है Fe और Cl से मिलके बनेगा, और ये Cl की वैल्यू -1, ये इसकी 3 है, तो ये ऐसे क्रॉस होकर क्या बन जाएगा, FeCl3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, पर हमें तो ये देखना है, ये हो गया आयरन फिलिंग प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एरो आना था यहाँ पे, एरो फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई पहले। अब हमको क्या लिखना है इसकी केमिकल इक्वेशन, आयरन के लिए Fe, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, और फेरिक क्लोराइड के लिए अभी मैंने बताया आपको FeCl3 एंड हाइड्रोजन के लिए H2। अब क्या ये बैलेंस है, बैलेंस तो देखो नहीं है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है, Fe यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक, अब यहाँ पे Cl के एटम कितने हैं, 3, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3। अब 3 करने से ये 3H हो गए ना,
3H। अब क्या होगा, Cl तो बैलेंस हो गया, 3H, H के 3 एटम लेफ्ट हैंड साइड हो गए और H के 2 ही एटम इधर हुए। तो क्या करेंगे हम कि अब हम इसको क्या बना सकते हैं, अब अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो इसको हम 3 तो नहीं बना सकते ना, एच एंड टू, अगर यहाँ पे 2 एटम है, इसको 3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए और 3 रह जाए। इस तरीके से कुछ करेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो एच है वो 3H है, ठीक है, और राइट हैंड साइड जो एच है वो 2H है, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड पे भी 3 बनाना है, तो इसको 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 के साथ, ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए और ये 3 यहीं पे रह जाए, और ये क्या हो जाए, ये कितने एटम हो जाए, यहाँ पे भी 3 एटम हो जाए। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 3/2, 3/2, 3/2, ये यहाँ पे हो जाएगा 3/ सॉरी, 3/2। अच्छा, अब क्या होगा, ये 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जो 2 है ये नीचे ऐसे हमको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, ये 2 अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये 2 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2FeCl3, 2FeCl3, ठीक है। और ये 2 जो है केवल यही नहीं, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसके साथ भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2Fe हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 की जहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6, 3 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6, ठीक। और यहाँ से तो 2 जो है यहाँ से अब हट जाएगा, क्योंकि वो अब हर जगह सभी जगह चला गया है, उसने अपनी पावर सबको दिखा दी। तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल बैलेंस इक्वेशन बनेगी 2Fe6HCl, 2Fe Cl3 एंड 3H2। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन बैलेंस की, ये चारों को एक बार और भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इनको बैलेंस किया। ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियो इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है ऑलरेडी, उन्हें भी देखिए। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोज़।